मैं यहाँ कैसे पहुंचा? सो गाइस, इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। सो अस्सलाम गाइस, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये यम्मी वाइट ऑफ कराची थी 6th एपिसोड। सो इस एपिसोड में जो हम आए हुए हैं यहाँ यादाश शनवारी पे, और जैसे हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में हमने क्या किया था, हम लोगों ने बिरयानी गए थे, तो हम लोगों ने आप लोगों को बिरयानी का रिव्यू करवाया था और बताया था उसका टेस्ट और उसका किचन तक आप लोगों को चेक करवाया था। सो आज हम लोग जैसे कि यहाँ आए हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर आज कढ़ाई का टेस्ट करेंगे और इसको भी सब कुछ देखते हैं और साथ साथ आप लोगों को बताते भी रहते हैं। और इसी पे एंड में मैं ऑपरेशन रेटिंग भी करेंगे, है ना? और गाइस, आप लोग कमेंट पे जरूर बताएगा अगर आप लोगों को जगह विजिट करवानी है हमसे या फिर फूड ऐसा है तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जरूर रिव्यू करेंगे। और गाइस, पिछले व्लॉग में जो थे मेरे 50% व्यूवर जो है वो नॉन सब्सक्राइब थे, तो ऐसा नहीं था, छुपते छुपते नहीं देखने, सब्सक्राइब करने कुछ नहीं होता उससे। सब्सक्राइब भी तो सब्सक्राइब करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस, जैसे थे अपने व्लॉग में, जैसे हम कराची, तो हम लोग कराची तो पूरा दिखा रहे हैं, जैसे हमने नाइट नाइट राइड की थी और हमने एक एक कराची की एक एक गली को जाके दिखाया, जो कि बहुत मुश्किल है, वो भी रात के टाइम, वो भी रात के टाइम, और तो बहुत ज्यादा डर भी लगता था कि कोई स्नैचर्स ना आ जाए इस तरीके से। और अब हम लोग यमी बाइक कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग कराची के ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे रेस्टोरेंट आप लोगों को करवा सकें, लेकिन सारे तो मेरे ख्याल मुश्किल होंगे, स्पेशलिटीज सारे तरह से होंगे, करवाएंगे स्ट्रीट फूड चेक करवाएंगे, रेस्टोरेंट्स कर देंगे। हाँ, सो वैसे ही आज हम यादार शनिवारी पे, तो आए हम आप लोगों को आगे थोड़ा सा। मतलब बारबेक्यू भी है, मंदिर जाते हैं। ट्रेवल ट्रेल विद छह बादन परी, मैं लिख दूंगा, सब्सक्राइब करो करना अंदर है। गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारा। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं। और वैसे कढ़ाई के अलावा क्या है? अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हो। वैसे कढ़ाई के अलावा और क्या है, कुछ है? हाँ, मतलब बारबेक्यू भी है। अच्छा, और ये क्या बन रहा है? ये बीफ में अफगानी बोटी है। अफगानी बोटी आप बताइए, देख सकते हो ये भी सीथों में लग रहे हैं, ये हमारा उस्ताद अफगानी बोटी है। और फिर उसके बाद ही वहाँ जाते पतेंगे जरूर। जूसी टेंडर, तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे रोटी बन रही है, और ये गरम गरम ऑयल है, गरम गरम ऑयल है यहाँ पे, आप लोग ऐसे देख सकते हो। ये रोटी बन रही है, और ये वहाँ पे मेरे ये तड़ाई बन रही है, ये राइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये तड़ाई बन रही है, और ये यहाँ पे तड़ाइयों में डलती है, हमें सर्व होंगी जरूर यहाँ पे। और ये जो अंतल है यहाँ पे तड़ाई बना रहे हैं, डर ही लग रहा है ऑयल की छींटे मीटे ना आ जाए यहाँ पे, बाकी दही आप लोग देख सकते हो। और जैसे मैंने बताया थे खाली तड़ाई नहीं है, तो दही जैसे मैंने बताया थे खाली तड़ाई नहीं है, तड़ाई के साथ बारबेक्यू जितने भी, जैसे वहां पे वो तो अफगानी तो बिहारी बोटी वो तो सीटों में लगा रहे थे, और अब यहाँ पे देखो क्या गरम गरम तड़ाई बन रही है, ये आप लोग मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नाम क्या आता? नासिर। और ये अंदर इधर तंदूर है, अच्छा रोटी है, पराठा भी होता जरूर, और क्या क्या है? रोगनी नाम, गार्लिक नाम। क्या? रोगनी गार्लिक, मुखली तो मुखली, रोगनी नाम क्या क्या? रोगनी नाम, गार्लिक नाम।
गार्लिक नान और मुदली, सही है, समझ लिया। और ये आप लोग सही देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रोटी बन रही है और पराठे बन रहे हैं, और क्या दिया है रोटी स्पेस में? अरे बहुत गर्मी आ रही है क्या? अच्छा, चपाती पराठा, वो तो बताए थे, दाल गार्लिक नान और ये सब, गार्लिक नान और ये आप लोग देख सकते हो। किधर आप लोग देख रही हो, मसालेदार रोटियां बन रही है। ये दादा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ से आऊँ? वही यहाँ पे दोस्त आए थोड़ा पर। ये डाइस आप लोग देख सकते हो, ये डाइस यहाँ पे आप देखो। कौन सा चैनल? मेरा ट्रेवल ट्रेवल विद शहबाज एंड परी। तो गाइस अब हम आपसे मिलते हैं खाने के टेबल पे, और वहाँ पे आप लोगों को सारा टेस्ट टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। व्लॉग के अंदर जरूर लाना है। हाँ हाँ, आप आ जाओ व्लॉग के अंदर। सो गाइस अब यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो ये लोग खाने से पहले ये आप लोगों को देते हैं कावा। हाँ, और ये दूर भी है ना। हेलो, सो गाइस अब यहाँ पे ये चंद्र आप लोगों को नजर आ रही है, इनका फैमिली हॉल, यहाँ पे आप लोग आके फैमिली के साथ बैठ सकते हैं और अपना डिनर कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग ये रोटी को देखें, इन्होंने कितना अच्छा रोटी का हार्ट शेप का बनाया हुआ है इसको, बहुत गर्म है। गर्म बहुत ज्यादा है। अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कि है कैसा। मेरा भाई बहुत मजे की है सच्ची में, एक तो इतनी अच्छी है, इन्होंने स्पाइसी सी बनाई हुई है और बहुत मजे की है। बहुत मजेदार, क्योंकि इसके ऊपर जो ये किशमिश का टेस्ट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा मीठा ऐसा कुछ टाइप का, तो ये इतना इसमें मजेदार लग रहा है और ये बहुत मजेदार। आप पता ऐसे आओ तो आप ये जरूर खाना, मेरे साथ मुझे कढ़ाई से भी ज्यादा अच्छा लगा है। कढ़ाई भी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं, आप लोगों को आके खाके इसको टेस्ट करके पता चलेगा कि वो कैसी है। बंद है माइक, प्लीज साधो। सो गाइस यहीं से हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। हाँ सर, अपन लोग अपने व्लॉग एंड कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि अगर कोई जगह वगैरह साइड व्लॉग में, और
हम लोग बहुत सारी सीरीज करेंगे और हम लोग आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस से भी लेके गए थे आगे लेकर आते रहेंगे और कुछ फन व्लॉग बनाएंगे तो हम लोग नहीं करेंगे तो इसलिए हमारे साथ ही रहे और जल्दी सब्सक्राइब करें ये क्या दिया हुआ है काजल जल्दी जल्दी तुम्हें 1000 में कौन सी बड़ी ही सेलिब्रेशन करे है ना तो मुझे तो परीक्षा का प्लान भी करना है तो पहले 500 पे आ जाए फिर हम कुछ प्लान करना स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी करें जल्दी जल्दी करें ना इसी टेलीफोन में हमारे 1000 हो जाने चाहिए इंशाल्लाह तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हमें इजाज़त दें थैंक यू थैंक यू सो मच